नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें इंजन ऑयल को टॉप अप कब, क्यों और कैसे करना चाहिए और इंजन ऑयल को टॉप अप करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंजन ऑयल को टॉप अप करना क्यों ज़रूरी है। वैसे तो नॉर्मली इंजन ऑयल इतना ज़्यादा कम नहीं होता है, लेकिन जब हम बाइक को ड्राइव करते हैं तो इंजन की गर्मी से भी इंजन ऑयल का वाष्पीकरण होता है, यानी थोड़ा बहुत इंजन ऑयल जलता रहता है, जिसके कारण इंजन ऑयल कम हो जाता है या अन्य किसी लीकेज के कारण भी इंजन ऑयल कम हो सकता है। तो इसके लिए इसको टॉप अप करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इंजन ऑयल को टॉप अप नहीं करते हैं तो इंजन के इंटरनल पार्ट जो होते हैं उनका पूर्ण रूप से लुब्रिकेंट नहीं हो पाता है, और यदि इंजन ऑयल ज़्यादा कम हो जाता है तो इंजन सीज भी हो सकता है। तो इंजन के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इंजन ऑयल को टॉप अप करना बहुत ज़रूरी है। हमें इंजन ऑयल कब कब टॉप अप करना चाहिए आपको बता देता हूँ। हर 500 किलोमीटर पर इंजन ऑयल चेक करें, यदि कम है तो टॉप अप करें। यदि आप बाइक से कोई लंबी दूरी तय करने जा रहे हैं तो एक बार इंजन ऑयल ज़रूर चेक कर लें, यदि कम है तो इंजन ऑयल को टॉप अप करें। टॉप अप करने के लिए वाहन निर्माता जो इंजन ऑयल ग्रेड रिकमेंडेड करते हैं, कृपया उसी ग्रेड का इंजन ऑयल लें। तो इसके लिए सबसे पहले बाइक को किसी समतल जगह पर सेंटर स्टैंड पर खड़ी कर लें, उसके बाद अपनी बाइक को स्टार्ट कर लें और उसे 5 मिनट के लिए स्टार्ट रहने दें। जब 5 मिनट हो जाए तो इसे बंद कर दें, और बंद करने के बाद में 5 मिनट के बाद हम ल्यूब ऑयल का यानी इंजन ऑयल का लेवल चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, कॉटन का कपड़ा लेते हैं और ये जो इंजन ऑयल की डिपस्टिक है इसको अच्छी तरह से धूल मिट्टी है इसको साफ कर लेंगे, ताकि गलती से भी धूल के कण है वो इंजन ऑयल में मिक्स ना हो जाए। अब हमने क्या करना है कि इसको प्लास या हाथ की सहायता से इस प्रकार खोल लेते हैं और इसे कॉटन के कपड़े से इस तरह साफ कर लें अच्छी तरह। तो अच्छी तरह साफ करें इसको। अब हमने क्या करना है कि ये जो मार्क है यहाँ तक है अपना जो इंजन ऑयल वो होना चाहिए, यदि कम है तो इसको यहाँ तक टॉप अप करेंगे, ज़्यादा मात्रा में तेल नहीं डालेंगे, नहीं तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ तक टॉप अप करेंगे अपने। चलो हम इसको चेक कर लेते हैं कि इंजन में इंजन ऑयल है जो कितना है। तो इस प्रकार आप इसको अंदर डालिए, टाइट नहीं करना है इसको, और इस तरह बाहर निकाल लीजिए। तो ये देखिए जो इंजन ऑयल है वो अभी पर्याप्त मात्रा में है, यानी फुल है। अब मैं आपको टॉप अप करने का तरीका बता देता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस टाइप का एक उपकरण लेंगे जिसे हमारी लैंग्वेज में कीप बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं मुझे ये पता नहीं है। इस टाइप का उपकरण लें और आपको क्या करना है कि आपको इस तरह लगा दीजिए, उसके बाद आप इंजन ऑयल को इसके थ्रू डालिए। और इंजन ऑयल को आपने क्या करना, सावधानी क्या रखनी है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही डालें और बार बार इसमें आप चेक करते रहें कि कितना फिलअप हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक बार में आप इसको फुल कर दोगे तो इसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी जो इंजन के लिए हानिकारक है। तो आप इस प्रकार इसको टॉप अप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के साथ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।